हिस्सेदारी में कुर्बानी करना ठीक है जबकि कुर्बानी के हिस्सों में अलग अलग अकीदे के लोगों का हिस्सा हो, इस सूरत में कुर्बानी नहीं होती। अगर किसी ने साहिब निसाब होने पर भी कुर्बानी अदा नहीं की और लगातार 2-3 साल गुजर गए और अब इस साल कुर्बानी करना चाहता है तो पिछली कुर्बानी भी एक साथ इसी साल कर सकते हैं। उनका टाइम गुजर गया, उनकी कीमत ही सदका कर दे। क्या कुर्बानी के जानवर में 6 सुन्नी के साथ एक देवबंदी शरीक हो सकता है? अगर नहीं फिर भी शरीक करें तो क्या बाकी 6 की कुर्बानी हो जाएगी? उसकी शिरकत दुरुस्त नहीं है, अगर वो शरीक हुआ तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी के जानवर को सर्दी और बुखार हो जाए या उसके आंख और कान से पानी बहे तो हुजूर कुर्बानी हो जाएगी या नहीं, रहनुमाई फरमाएं। हो जाएगी। कुर्बानी का गोश्त शादी के रिसेप्शन या किसी और फंक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं। किसी को कुर्बानी का गोश्त दिया और उसने उसे फरोख्त किया तो क्या उसकी कीमत उसके लिए जायज है? जायज है। जैद ने कुर्बानी की नियत से बकरा ज़बह कर दिया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर, दुआ उसको याद नहीं थी इसलिए नहीं पढ़ी, इस तरह से क्या ये कुर्बानी हो गई या नहीं? कुर्बानी हो गई। जैद पर कुर्बानी वाजिब है, वो अपने नाम पर कुर्बानी का हिस्सा लेना चाहता है, किनके साथ हम कुर्बानी का हिस्सा ले सकते हैं प्लीज वजाहत फरमाएं। किनके साथ? हर सुन्नी शेड्यूल अकीदा के साथ कुर्बानी के जानवर में शिरकत जायज है, बशर्ते के बड़ा जानवर भैंस गाय ऊंट वगैरह बैल वगैरह उसमें 7 से ज्यादा शरीक न हो। 7 से कम हो या 7 हो तो शिरकत जायज है जबकि सुन्नी शेड्यूल अकीदा हो। सबकी नियत कुर्बानी की हो, किसी ने ये नियत न की हो कि वो अपने हिस्से का गोश्त ले रहा है, अगर गोश्त की नियत की है तो उस सूरत में किसी एक की अगर ऐसी नियत है उस वजह से फिर किसी की कुर्बानी नहीं होगी। यूं ही अगर कोई गैर सुन्नी शेड्यूल अकीदा की शिरकत है तो भी कुर्बानी नहीं होगी, या अगर 7 से ज्यादा शरीक की है किसी की कुर्बानी नहीं होगी। क्या रात में कुर्बानी की जा सकती है? दिन और रात के सवाब में कोई फर्क है? रात में कुर्बानी कर सकते हैं जबकि रोशनी काफी हो और शरीर तौर पर ज़बह करना मुमकिन हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है और दोनों ही बराबर हैं। कुर्बानी के जानवर की ओझड़ी और अंतड़ियां किसी मुशरिक को देना कैसा? ओझड़ी और अंतड़ियां खाना जायज नहीं है, तो न उनको खाने का हुक्म है न खिलाने का हुक्म है।